वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अदील खान बलोच। अगर आपको भी डेटा लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका ये प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा आउटस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जो कि आपका डेटा विद इन फ्यू मिनट्स रिकवर कर देगा। और इस सॉफ्टवेयर के साथ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर है हर टाइप का डेटा रिकवर कर सकते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, ऑडियो, वीडियो, किसी टाइप की फाइल्स हो, विद इन फ्यू मिनट्स जो है आपका डेटा कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। पुराने से पुराना डेटा भी जो है आप रिकवर कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सॉफ्टवेयर से आपने अपना डेटा रिकवर करना है। तो यहाँ पे हम लैपटॉप की डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर वो टेन्योशियर का सॉफ्टवेयर है जो कि 4D Dig डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छे यहाँ पे जो है वो डेटा रिकवर करता है। अब इसमें यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर आपके पास विंडोज़ है या मैकबुक है तो आप दोनों पे जो है वो डेटा रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लैपटॉप है, PC है, इंटरनल ड्राइव है, एक्सटर्नल ड्राइव है, USB फ्लैश है या SD कार्ड है या किसी और स्टोरेज डिवाइस से डेटा जो है वो डेल हुआ है तो आप रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जो कि आउटस्टैंडिंग है वो ये है कि यहाँ पे आप 2000 प्लस फाइल्स टाइप को जो है वो रिकवर कर सकते हैं जो कि औसम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका डेटा चाहे एक्सीडेंटली डिलीट हुआ है या पार्टीशन लॉस्ट हो गई है या डेटा करप्ट हुआ है, सिस्टम क्रैश हुआ है या वायरस आ गया, किसी तरीके से भी डेटा डेल हुआ है वो आप रिकवर कर पाओगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, यहाँ पे हम जो है वो सीधा इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई इट फ्री का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इसको आप जो विंडोज़ 10 पे भी वर्क करता है, विंडोज़ 11, 8, 8.1, 7 सब पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको जो वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपने यस पे क्लिक करना है और इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है और किस तरह जो आपने सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है तो फर्दर मैं आपको जो है आगे नेक्स्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे जो है हमारे पास रिकवरी के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हमें जो वो स्टोरेज शो हो रही है जो कि ड्राइव्स है लैपटॉप की, जैसे कि ड्राइव C है, D है, और यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ की है जो कि USB ड्राइव है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऐप जिससे जो है वो डेटा रिकवर करना चाह रहे होंगे आपने उसको सिलेक्ट करना है, उससे डेटा रिकवर कर लेना है। सबसे पहले मैं जो किसी एक से डेटा डेल कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ की है USB ड्राइव, इससे मैं डेटा डेल करूँगा। तो यहाँ पे जो है वो दिस PC ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो एक्सटर्नल ड्राइव है इसको ओपन करते हैं और इसमें कुछ डेटा है जिसको हम डेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स टाइप है। तो यहाँ पे जो है हम जो सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे अब हम इनको डेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम शिफ्ट डिलीट एंटर कर देते हैं और ये जो परमानेंटली यहाँ से फाइल्स डेल हो चुकी हैं तो अब जाके यही फाइल्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो रिकवर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास यही ड्राइव शो हो रही है जो कि USB ड्राइव F है, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम हमारे से ये पूछ रहे हैं कि आपने किस टाइप का डेटा जो रिकवर करना है। तो यहाँ से हम ऑल टाइप की जो फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्कैन ऑल फाइल टाइप्स। तो यहाँ पे जो स्कैनिंग हो रही है, यहाँ पे 12% जो स्कैन हो चुका है। तो जैसे स्कैनिंग होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा डेटा डेल हुआ है यहाँ पे हमें जो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा स्कैन जो 100% कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 फाइल्स जो हैं जो कि फाउंड हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जो है डिलीटेड फाइल्स को ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब हम इस डिलीटेड फाइल्स को जो है वो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो 8 फाइल्स इसमें डिलीटेड में देखने को मिल रही हैं और इसमें आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट वाली फाइल है, इमेजेस है और 2 वीडियोस वाली फाइल है। ये सेम वही फाइल्स हैं जो कि हमने अभी डिलीट की और यहाँ पे इसने जो है वो दिखा दिए शो करके जो कि इसने फाउंड कर लिए हैं डिलीटेड फाइल्स में। तो यहाँ पर इनको हमने सेलेक्ट कर लेना। आप देखें यहाँ पर हमने 8 फाइल्स को सिलेक्ट कर लिए जो डिलीटेड थी। अब हम इनको सिलेक्ट करके रिकवर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रिकवर पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेंगे कि आपने जो है किस स्टोरेज ड्राइव में इसको रिकवर करना है। तो हमने जिससे डिलीट किया था हम उसी में दोबारा इसको रिकवर करेंगे। तो USB ड्राइव F पे हम क्लिक कर लेते हैं और हम इसी के अंदर जो वो रिकवर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो वो रिकवर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो रिकवर एंड रिपेयर पर हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो फाइल्स रिकवर हो रही हैं जैसे ही रिकवर होती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% रिकवर हो चुकी हैं और यहाँ पे हम जो व्यू रिकवर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास है वो, यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया जिसको ओपन करें और आगे डिलीटेड फाइल्स का फोल्डर है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो ये फाइल्स शो हो रही हैं जो कि हमने रिकवर कर ली हैं, जो 8 की 8 फाइल्स, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि ये एक वीडियो है जो कि हमने डेल की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट फाइल थी जो कि हम ओपन करके दिखा देते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये भी रिकवर हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इस तरह जो है हमने फाइल्स जो है वो रिकवर कर ली हैं। अब जब पे ये जो सॉफ्टवेयर है इसको, इसका जो पेड वर्जन भी है, तो हम, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसकी प्राइसिंग क्या है, इस किस तरह हम जो है इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मंथली प्लान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45.95 का है। इसके अलावा जो ईयरली प्लान है यहाँ पे इसका जो है अराउंड $60 का है, और यहाँ पे अराउंड $70 का जो है इसका लाइफ टाइम का प्लान है। अब आप कह रहे होंगे थोड़े से जो है प्राइसिंग ज़्यादा है, तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे मैं आपको कूपन कोड दे देता हूँ। यहाँ पे मेरा कूपन कोड आपको नीचे देखने को मिल रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, नीचे आपको फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये जो है वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे इसको आप बाय कैसे कर सकते हैं, आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं, मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी यहाँ पे जो है वो पेमेंट के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप यूज़ करके जो है वो इस सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है और मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है जो कि आप बाय कर सकते हैं। इसको मैं काफ़ी टाइम से जो है वो सॉफ्टवेयर को पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमने फाइल्स रिकवर कर ली, और यहाँ पे मैंने आपको जो प्राइसिंग भी बता दी सॉफ्टवेयर की। बाकी आपको इसको बाय करते हुए कोई प्रॉब्लम हो या कोई और इस रिलेटेड जो आप बात पूछना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा आपकी जो भी क्वेरीज है। तो यहाँ पे ये थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।